मुंबई में इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर में आग लग गई है। सिंधिया हाउस बलार्ड एस्टेट में मौजूदा इनकम टैक्स विभाग के ऑफिस में यह आग लगी। 8 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग भी इसी ऑफिस में बैठता है। यहां पर ललित मोदी और नीरव मोदी मामले से जुड़े केसों के दस्तावेज हैं। ये तस्वीरें आप मुंबई के सिंधिया हाउस की देख रहे हैं, जहां पर भयंकर आग लग गई है। सिंधिया हाउस में इनकम टैक्स का ये दफ्तर है, जहां पर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, इन सब के केसेस की जो फाइल है वो यहीं पर है। 8 दमकल की गाड़ियां यहां मौके पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि सिंधिया हाउस बलार्ड एस्टेट में है और ये एक आईटी का दफ्तर है। इन्वेस्टिगेशन विंग भी है इस बिल्डिंग में। और मुंबई की ये तस्वीरें हैं, मुंबई के सिंधिया हाउस की तस्वीरें हैं। और क्योंकि 8 दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, कोशिश पूरी हो रही है कि हम जल्द से जल्द इस आग को बुझा सके। उम्मीद यही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आईटी ऑफिस भी है, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई जो तमाम फाइलें हैं वो सुरक्षित हो। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन ज्यादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गए। राजीव, जो तस्वीरें हम इस समय यहाँ पर देख पा रहे हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई है, फिलहाल क्या स्टेटस है, कितना समय लगेगा आग को बुझाने में? देखिए, आग जो लगी थी उस वक्त जो भयंकर तरीके से आग लगी, तीसरे मंजिल पर सिंधिया हाउस की आग लगी हुई है, और अलग अलग जो सेक्शन है, यानी जो सिंधिया हाउस का इन्वेस्टिगेशन विंग है वहाँ ये आग लगी है, और सिंधिया हाउस पूरा इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन विंग है। सिंधिया हाउस की खासियत ये है कि जितने हाल फिलहाल में जितने इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जितने एसएससीज हैं, उनके सारे डिटेल्स हैं। उन एसएससीज में ललित मोदी, फिर विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी 2012 में जितने उनके असेसमेंट हुए थे, जितने उनके इन्वेस्टिगेशन हुए, वो सारे दस्तावेज थे। इसके अलावा सूची मामले में जितने टेलीफोन रिकॉर्डिंग हुए थे उसके भी सारे साक्षी यही हैं। ये सबसे अहम सुराग है और ऐसा अहम बातें हुई। उम्मीद किया जा रहा है कि वो बातें, वो सारे दस्तावेज सुरक्षित हो, लेकिन अभी तक आयकर विभाग इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता है कि वो सारे दस्तावेज सुरक्षित हैं या नहीं। सिंधिया हाउस में एक पूरा यूनिट, यानी कंट्रोल सेक्शन है जिसमें सर्वर होता है, वो सर्वर भी हालांकि सिंधिया हाउस के बेसमेंट में है, आग अगर वहां पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई सारे डाटा लॉस हो सकते हैं। अभी तक जो सिचुएशन है आग के बुझने की, लेकिन आग अभी तक बुझी हुई पूरी तरह से नहीं बुझी हुई है। कई इलाकों से सिंधिया हाउस के कई इलाकों से बहुत तेजी से धुएं उठ रहे हैं, हालांकि कूलिंग प्रोसेस भी चल रहा है और आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि फर्नीचर से अलग अलग केबिन्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज भी रखे हुए हैं, जो असेसमेंट के दस्तावेज, जो साक्ष्य रखे हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स रखे हुए हैं, जिन एसएससीज को बुला के कई सारे उनके जो जांच की गई है, स्क्रूटनी की गई है, वो साक्ष्य रखे हुए हैं, उनके नुकसान होने का सबसे ज्यादा खतरा है। फिलहाल आग को काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए। कोशिश हो रही है पूरी आग को काबू में करने की, लेकिन फिलहाल आग को काबू में नहीं किया गया है यहाँ पर। और हम आपको बता दें कि बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है।